ऑलराइट, इस इमेज कॉम्पोजिट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं अपने इमेज को पिक्सआर्ट में इस तरह से इंपोर्ट कर लूँगा, ओके। और यहाँ पे मैं अपना जो रिक्वायर्ड स्काई है उसको इस तरह से ऐड कर लूँगा और अच्छी तरह से प्लेस कर लूँगा और ऑपोसिटी को थोड़ा सा रिड्यूस कर दूँगा ताकि मुझे दिखाई दे अच्छी तरह से, ओके। और अभी जो अनवांटेड पोर्शन है उसको मैं यहाँ पे रिमूव कर दूँगा। ये देखिए, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्रश का हार्डनेस ऑपोसिटी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर लें, ओके। इस स्टेज में आप जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो कॉम्पोजिट होगा वो ज़्यादा रियलिस्टिक, ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ओके। तो इसमें अच्छी तरह से टाइम स्पेंड करें और अच्छी तरह से आप बारीकी से जो अनवांटेड पोर्शन है उसको रिमूव करें। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और इस वीडियो को लाइक कर लें। देखिए, अच्छी तरह से मैं रिमूव कर लूँगा, ओके। आप लोग तब तक म्यूजिक को एंजॉय करें। ये देखिए, रिमूव कर लिया है, ओके। और यहाँ पे मैं इसको भी रिमूव कर दूंगा, ओके। और इसको मैं अभी एडजस्ट कर लूँगा क्योंकि अपोसिटी प्रॉपर्टी को, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्काई है वो ज़्यादा सेचुएटेड है, तो मैं एडजस्ट में जाके टेम्परेचर वगैरह और ज़्यादा और बाकी जो एडजस्टमेंट है उसको एडजस्ट कर लूँगा ताकि ये जो स्काई है वो बाकी इमेज के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। और मैं अभी इस इमेज को क्रॉप कर लूँगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है, ओके। तो इसे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं क्रॉप कर लूँगा। और अभी मैं फिर से जाऊँगा ऐड इमेज में और यहाँ पे एक फ्लाइंग फैब्रिक का इमेज मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, ओके। ये भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, फ्रीली अवेलेबल है, ओके। तो इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर लूँगा, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो जो फैब्रिक है उसका कलर ड्रेस के कलर के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो उसको अभी हम लोगों को मैच कराना है, ओके। तो एडजस्ट में जाके जो प्रॉपर्टीज है, टेम्परेचर है, सैचुरेशन है, उसको चेंज करूँगा। और ये देखिए, लगभग मैच हो रहा है, ओके। और अभी इस फ्लाइंग फैब्रिक को मैं ब्लेंड करूँगा अच्छी तरह से, तो इसके लिए मैं ब्रश में जाके इस तरह से यहाँ पे इस जो हार्ड लाइनिंग है उसको वाइप कर दूँगा और उसका ओपोसिटी को रिड्यूस करके जो हेयर है उसको मैं सामने की तरफ इस तरह से लाऊँगा रिमूव करके, ओके। देखिए, इमेज कॉम्पोजिट में ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है और इसमें आपको सब्सटेंशियल टाइम स्पेंड करना है, तभी आपका जो कॉम्पोजिट होगा बहुत ही रियलिस्टिक दिखाई देगा, ओके। देखिए, अच्छी तरह से मैं रिमूव कर लूँगा और जो ड्रेस का टेक्सचर है उसको भी मैं अच्छी तरह से रिमूव करूँगा, ओके। परफेक्ट। देखिए, अच्छी तरह से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इस स्टेज में बहुत ही बारीकी से रिमूव करें। ये देखिए, जो ड्रेस का टेक्सचर है उसको मैं फिर से वापस ला रहा हूँ, ओके। परफेक्ट। और अभी मैं इसका ऑपोसिटी इंक्रीज कर देता हूँ। ये देखिए, हो चुकी है। और अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ में जाऊँगा और यहाँ पे मैं शैडोज ऐड करूँगा क्योंकि मैं बाद में यहाँ पे एक लेंस फ्लेयर ऐड करने वाला हूँ, ओके, स्काई में। तो इसीलिए उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे शैडोज ऐड करूँगा। ये देखिए, हल्का से शैडो में यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है, ओके। इसमें ब्रश साइज को आपको एडजस्ट करते रहना है, ज़्यादा हार्श ब्रश नहीं करना है, अदरवाइज ये अनरियलिस्टिक दिखाई देगा, ओके। ये देखिए, शैडोज आ चुके हैं। यहाँ पे जो फैब्रिक है उसका भी शैडो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये देखिए, हल्का सा ड्रॉ करना है आपको। और अभी यहाँ पे मैं लेंस फ्लेयर में जाके इस तरह से यहाँ पे ऐड कर लूंगा ताकि सनसेट्स का एक इफेक्ट क्रिएट हो। ऐसे इसको अच्छी तरह से यहाँ पे प्लेस कर लूंगा और इसका टेम्परेचर या ब्लेंड मोड में चेंज करके उसको अच्छी तरह से इमेज के साथ ब्लेंड कर लूँगा, ओके। देखिए, परफेक्ट। ओके, और अभी मैं ड्रॉ में जाके फिर से शैडोज ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे जो ये माउंटेन है उसका भी शैडो यहाँ पे आएगा,
तो उसको ड्रॉ करना है। ओके, तो यहाँ पे साइज एंड ऑपोजिट प्रॉपर्टी को आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करना होगा। और उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं और एक माउंटेन है, उसका भी शेडो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। परफेक्ट, देखिए हो चुका है। ओके, और इसको मैं अभी ओके कर लूँगा। और अभी इस इमेज को मैं लेके जाऊंगा लाइट रूम में, जहाँ पे मैं इसके कलर्स को मॉडिफाई करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए सिलेक्टिव जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके जो सब्जेक्ट का बैकग्राउंड है उसका डार्कनेस या फिर कलर मैं उसको रिड्यूस करूँगा, ताकि जो सब्जेक्ट हो वो ज़्यादा पॉप आउट होकर निकल के आए। ओके, तो यहाँ पर टेम्परेचर एंड बाकी जो एडजस्टमेंट्स हैं शार्पनेस को रिड्यूस कर दूँगा यहाँ पर, देख सकते हैं हो चुकी है। और अभी मैं होल इमेज का ब्राइटनेस या अदर जो पैरामीटर्स है उसको एडजस्ट करूंगा, कॉन्ट्रास्ट, एक्सपोजर। और ये सब्जेक्टिव है, ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। इस पिक के साथ मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर रहा हूँ। ओके, तो ये देखिए हो चुका है। और अभी टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँगा मैं और सिचुएशन को रिड्यूस करूँगा। और उसके बाद एसएचएल में जाके हर एक कलर को मैं अलग अलग तरह से मॉडिफाई करूँगा। ये देखिए रेड, ऑरेंज को करने से थोड़ा सा स्क्रीन का जो ब्राइटनेस होगा इंक्रीज होगा। इसी तरह से येलो को भी मैं मॉडिफाई करके देखूंगा। परफेक्ट, ये देखिए इसका क्या कलर चेंज हो रहा है जैसे जैसे आप कलर को मॉडिफाई कर लो। ग्रीन थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, इसलिए हर एक कलर को मैं अलग अलग तरह से मॉडिफाई करूंगा। ये बेसिकली एक ट्रायल एंड एरर मेथड है, आपको चेंज करके देखना है कि कौन सा इमेज के साथ अच्छा बैठ रहा है। ओके, आप अगर इनको कॉपी करना चाहते हैं तो इन वीडियो को पॉज करके जो अलग अलग एडजस्टमेंट्स हैं उसको आप नोट कर सकते हो। और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर्स ऐड करूँगा, क्लैरिटी ऐड करना है। ओके, फिर वेनियट यहाँ पे ऐड करूँगा। ओके, एंड लास्टली मैं थोड़ा सा शार्पनेश यहाँ पे ऐड कर दूँगा। और ये मेरा इमेज हो चुका है रेडी। ये देखिए ये बिफोर एंड आफ्टर है। परफेक्ट, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपको सीख पाए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।